चोरों के हौसले हुए बुलंद। शिल्पी प्लाजा के सामने दुलारी चूड़ी सेंटर में 2,80,000 की चोरी। मौके पर पहुंचकर सीएसपी ने लिया जायजा। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से लगा सवालिया निशान। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी एवं पथरी का दूरबीन इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। नमस्कार, मैं धानेन्द्र भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TV30 न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर चोर जिले की पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल चोरों ने इस बार शिल्पी प्लाजा के सामने संचालित दुलारी चूड़ी सेंटर को अपना निशाना बनाते हुए 2,80,000 की चोरी कर डाली। दुकान के संचालक लक्ष्मण ददनानी ने बताया कि रोज की तरह जब वह अपनी दुकान खोले और अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वहीं उन्होंने बताया कि उनके दुकान का सामान एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। चोरों द्वारा दुकान के सामान को बिल्कुल भी टच नहीं किया, बल्कि ठेकेदार को देने के लिए 2,00,000 रुपए बैंक से निकाले थे और दुकान में ही रख दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 दिन की कमाई की लगभग 80,000 कैश रखा हुआ था। कुल मिलाकर चोरों ने 2,80,000 की चोरी कर डाली। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय मौके पर पहुंची और मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़कर उचित कार्यवाही करेगी। दुलारी चूड़ी सेंटर में जानकारी मिली है, अभी सुबह लगभग 11 बजे इसकी जानकारी सूचना दी है सेंटर के जो भी व्यक्ति हैं। उस संबंध में अभी टीम आई है और जानकारी ले रहे हैं। इस संबंध में जो भी जानकारी आगे मिलती है उससे आपको सूचित किया जाएगा। कुछ कैश है जो गया है और बाकी जानकारी पूछ रहे हैं। देखा जा रहा है इस क्षेत्र में एसी को लेकर के चोर अलर्ट रहते हैं, क्या उन्हीं को नहीं संभावना हो सकती है, पर अभी फिलहाल जांच की जाएगी। उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से समझ में आएगा कि कौन घटना किया है, और अभी पूछताछ भी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या वस्तुस्थिति है। उससे आपका दुकान संचालित है और क्या घटना हुई है? सर, मेरी दुकान दुलारी चूड़ी सेंटर के नाम से संचालित है। ये दीप कॉम्प्लेक्स में स्थित है। आज सुबह 11 बजे के लगभग, जिस 11 बजे आमतौर पर दुकान खुलती है और रात को 10 बजे दुकान बंद होती है, तो रात को 10 बजे दुकान बंद करके गया तो बिल्कुल सब ओके था। सुबह मेरे भाई 11 बजे गुलाबराज शिवनानी, मेरे बड़े भाई हैं, दो लोग हम लोग बैठते हैं दुकान में, तो दुकान जैसे ही आके खोलते हैं तो बाहर के तो ताले बिल्कुल ओके थे, तो ताला खोल के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले तो CCTV कैमरा देखते हैं तो तारे वारे सब टूटी हुई थी और DVR भी नहीं था। फिर सीधा अंदर आके वो अपना कैश काउंटर देखते हैं तो कैश काउंटर का ताला वगैरह टूटा हुआ था। तो हम लोग तो फिलहाल आधे पौन घंटे एक घंटे शॉक हो गए कि हुआ क्या, बाहर के ताले बंद। फिर जब लाइटें वाइटें चालू करके जब अपन ऊपर गए तो ऊपर के भी बाहर के शटर बंद थे। फिर जब पीछे से भी गैलरी है तो पीछे से जब अपन देखा तो हमारी अलमारियाँ वगैरह वहाँ सजी हुई थी, वहाँ फ्लैक्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो फ्लैक्स फाड़ के अलमारी हटा के अंदर घुस के मतलब सामान वामान तो सर बिल्कुल सब एजिटेस है, सामान में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैश हमारा 2,00,000 रुपए में कल लेके आया था, हमारा अर्जुन नगर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, ठेकेदार को देने के लिए लेके आया था मैं, और प्लस लगभग 80,000-90,000 कैश हमारा 2-3 दिन का रखा हुआ था, तो वो पूरा मतलब दराज की आज की तारीख में उसमें 10-20 के सिक्के पड़े हैं कुल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा साफ करके गए हैं। चोर पीछे तो कैसे घुसे, क्या दीवार नहीं थी पीछे की साइड में? पीछे सर गैलरी बनी हुई है, तो पीछे क्या है कि एक बीच में शटर था और पीछे हमारी अलमारियाँ रखी हुई थी, तो अलमारी से पूरा पैक था वो और उसके पीछे फ्लैक्स लगा हुआ था, तो फ्लैक्स फाड़ के अलमारी हटा के वो अंदर घुसे हैं और बीच वाला शटर ओपन था तो वहाँ से वो लोग आ गए हैं। किसी के ऊपर शक है आपको? अब शक फिलहाल तो किसी के ऊपर नहीं है सर। अब लगभग कितने की 2,80,000-90,000 के बीच में अमाउंट गया है सर कैश, बाकी जी हाँ बाकी सामान तो एज इट इज रखा हुआ है, सामान को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। जी हाँ, CCTV फुटेज या पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं जांच कर रहे हैं, तो आजू बाजू में हमारा CCTV तो बिल्कुल उन्होंने तोड़ फाड़ दिया है, DVR भी लेके गए हैं, तो उसमें तो कोई दिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।